तो अभी हम लोग आए हुए हैं जैसलमेर की हवेली। ये जो मूर्ति है ये 2000 वर्ष पुराना। पीछे जो आप देख रहे हैं वो जैसलमेर फोर्ट है। महारावल जैसल सिंह जो थे उनके नाम पे ये बना था जैसल, फिर मेड़ बना था जिसका मतलब रहने का जगह जैसलमेर। पहले ये भाटी डायनेस्टी में थी जब यहाँ पर ब्रिटिश राज हुआ करता था। उसी समय इन्होंने लुधारवा से यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था ताकि तुर्कों से ये बचा रहे। ये इसके वजह से भी फेमस है और ये किला हम तो अंदर से देखेंगे ही। ये उन किलों में से एक है जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जैसलमेर की हवेली और थोड़ा सा रास्ता चढ़ान की तरफ है, अंदर लोग रहते हैं और इकलौती हवेली है ये, बेसिकली किला है पूरे भारत में जहां अभी भी लोग रहते हैं। अभी अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है माहौल। तो अभी हम लोग महल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे ऑटोस वगैरह लगे हुए हैं, गाइड्स हमें कुछ कुछ चीज़ें बता रहे हैं। जैसे मेरे पीछे ये जो महल देख पा रहे हैं आप, ये महल राजा का होता था और उसके बगल में रानियों के लिए एक और महल, और अंदर में मार्केट की कोई कमी नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में खाने पीने से लेकर हर तरह के चीज़ें, खासकर कपड़े और ज्वेलरी काफ़ी कुछ मौजूद हैं। ऑटोज़ वगैरह भी काफ़ी अवेलेबल हैं, तो आप जब चाहें एक ऑटो बुक कर सकते हैं या पैदल या बाइक स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक इट इज़ अ मस्ट गो। जैसलमेर फोर्ट का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अब भी लगभग 4000 से ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटीज़ में से हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नक्काशी, पेंटिंग्स और जो खास करके फोक कल्चर का हिस्सा वाला काम है वो करते हैं। ये लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। एक गाइड रखेंगे आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएगा। इस पूरे किले में 4500 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और दशहरा वगैरह भी यहाँ मनाया जाता है, जहाँ कहते हैं मेरे पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो वहाँ पे राजा बैठते हैं और फिर पूरा सेलिब्रेशन होता है। तो ये जगह अपने आप में एक पूरा शहर है, तो वन ऑफ द मस्ट विजिट्स अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है और अंदर तक तो फ्री ही है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं नज़र आया हमें, आप मज़े कर सकते हैं।